नहीं भाई, इसमें क्या क्या डाला गया? टमाटर और खीरा सब कुछ इसमें ही डलेगा जो डाला है अभी इससे पहले। टमाटर डाला है, खीरा डाला है। अच्छा, और ये शिमला मिर्च, एक एक खीरा है, एक टमाटर है, एक टमाटर है, एक शिमला मिर्च है, एक शिमला मिर्च है, एक गाजर है वो जो इधर है, एक पालक की गट्ठी है, एक पालक की गट्ठी है। अच्छा, और एक गाजर और बंद गोभी, ये बंद गोभी। अच्छा, और उसके ऊपर ये चुकंदर आएगा अभी, ये चुकंदर है। अच्छा, इसमें कोई नमक वगैरह भी डालेंगे, मसाला कोई ये ऐसे? अच्छा, इसको अब ग्राइंड करना है। इसमें दो बाकी जो चीज़ें, गाजर और बंद गोभी और खीरा, ये तो सब लोग खा लेते हैं, ये चिकंदर भी। इसमें दो आइटम थोड़े से मुश्किल हैं, एक तो ये जो आप पालक बता रहे हैं और एक जो शिमला मिर्च डाली है। ये मेरा ख्याल है हर बंदे का काम नहीं है। ठीक हो गया। इसके क्या फ़ायदे हैं, शुगर के लिए या वैसे ही आम गज़ा है आदमी की? कोई बंदा ये अगर गजा रखेगा तो उसको ना फिर डॉक्टर की ज़रूरत है, ना किसी दवा की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये नाश्ते में लेना है या दोपहर के खाने में? ये दोपहर के खाने से पहले लेना है और रात के खाने से पहले लेना है। अच्छा, पहले ये ड्रिंक पियेंगे फिर खाना खाएंगे? फिर खाना खाएंगे। ये तकरीबन इसका वज़न बनना चाहिए, यानी पौन किलो, पौन किलो को आप ये बोले 700 ग्राम। ठीक, कम से कम 700 ग्राम। अच्छा, इसको ग्राइंड करके इसको छानेंगे? खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं आप, काट के अगर कोई खाना चाहता है, हमारे तो दांत नहीं है ना भाई। अच्छा, इसलिए आप ग्राइंड करते हैं, करते। तो शिमला मिर्च कोई खाना चाहे तो कैसे खाया? ये तो आप करेला भी डाल रहे हैं अभी इसमें? मिक्स करके खा लेना फिर। अच्छा, कर ले इसको सबको काट। अच्छा, अभी इसमें एक करेला भी जाएगा? अच्छा जी, ये करेला भी एक साथ में जा रहा है। ये बारे हमारे नए भाई हैं कराची से और ये काफ़ी सालों से ये ड्रिंक पी रहे हैं। इसका फ़ायदा इनको ये है कि शुगर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सी बीमारियों के लिए, क्योंकि इसमें ना चिकनाई है, ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना मीठा है, मसनूई मीठा चीनी वगैरह है, ना इसमें घी है, ऑयल, ये कुदरती चीज़ें हैं सारी। लेकिन हर बंदा नहीं पी सकता है, जो पिएगा वो तो हर बंदा नहीं खा सकता। काट के खाना है, काट के खा सकते हैं जो काट के खाए। ये जी रोज़ाना पीते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। इसमें दोबारा मैं आज आपको बता दूं, सबसे पहले ग्राइंडर में एक टमाटर डाला गया है, एक खीरा, एक शिमला मिर्च, और इधर एक पालक की गुटी है, और बंद गोभी, एक गाजर, एक आधा चुकंदर, और अभी एक करेला काटा है। और इसको अब ग्राइंडर के अंदर मिक्स किया जाएगा। फिर ये भाई इसको छानते नहीं है, इसी तरह ही पी लेते हैं इसको खाना खाने से पहले, सुबह भी और रात को भी, सॉरी हाँ दोपहर में और शाम में, रात में, रात के खाने से और दोपहर के खाने से पहले। और इसमें अभी पानी डाल रहे हैं, एक कप डाल दिया है, अभी और लेके आ रहे हैं एक कप, ये दो कप पानी के हो गए। इस वजह से ये पतला होगा तो ग्राइंडर चलेगा, पानी नहीं होगा तो चलेगा नहीं। देखिए अब बाकी मटेरियल भी इसमें डाला जाएगा। लो जी, ये ग्राइंड हो गया है। ये हमारे भाई कहते हैं कि जब मैं नहीं पीता ना तो इसकी मुझे तलब होती है, जैसे किसी भी चीज़ का इंसान को तलब होती है इस तरह। तो ये देख लें, ये हमारे भाई इसी तरह जग के साथ पी लेते हैं। तो इसमें बहुत से बेनिफिट हैं, बहुत सी बीमारियों का इलाज है, कोई भी बंदा पी सकता है। इतना माशाल्लाह। तो